हेलो गाइस एंड वेलकम टू एड वॉर मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ 2024 होंडा हॉर्नेट 2.0 BS7 मॉडल का। यहाँ पर आपको E20 की बैजिंग मिल जाती है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। रिव्यू स्टार्ट करेंगे लुक्स की बात करते हुए। होंडा हॉर्नेट 2.0 आपको बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर मिलती है सामने से देखते हैं तब। हॉर्नेट 2.0 का यहाँ पर नंबर प्लेट होल्डर मिलता है, होंडा की बैजिंग मिलती है, बॉडी कलर मडगार्ड मिलता है आपको, साथ ही साथ आपको LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कट्स एंड क्रीसेस आते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर भी बहुत शार्प मिलते हैं बिग विंग होंडा बाइक जैसे। बाकी आपको इसकी क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और यहाँ पर मडगार्ड की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। बॉडी कलर मडगार्ड है और ब्लैक कलर की लेयरिंग पीछे मिलती है आपको, ऊपर रेड कलर है और ये मैट फिनिश वाला कलर देखने को मिलता है आपको। ग्लॉसी फिनिश नहीं है, मैट फिनिश मिलती है आपको और साथ ही साथ अपसाइड डाउन फोक गोल्डन कलर में मिलते हैं शोवा ब्रांड के। यहाँ पर नीचे शोवा की ब्रांडिंग आ जाती है सस्पेंशंस पर। ABS की बैजिंग मिलती है आपको, बड़ा सा डिस्क मिलता है, मोटा सा टायर मिलता है सामने। यहाँ पर आपको बेली पैन मिलता है बॉडी कलर्ड और प्लास्टिक क्वालिटी का है फाइबर मटेरियल। और यहाँ पर टैंक मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर है इसका टैंक, देख सकते हैं श्रॉट्स नीचे तक जाते हैं। होंडा की बैजिंग आती है नीचे 2.0 हॉर्नेट, यहाँ बड़ा सा लिखा हुआ मिलता है आपको सिल्वर एंड गोल्डन कलर में। स्टिकर्स नॉर्मल से हैं और मैट फिनिश बहुत ही ज़्यादा आपको नॉर्मल सी लगेगी। रेड कलर और ब्लैक कलर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है हॉर्नेट 2.0 का। बाकी आपको रेड कलर कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा मस्कुलर सा टैंक आता है यहाँ पर। और साथ ही साथ साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी आती है हॉर्नेट 2.0 की। आपको साइड प्रोफाइल कैसी लग रही है बताओ। और नीचे बड़ा सा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, मस्कुलर सा मिलता है साइलेंसर। अब बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल आपको नॉर्मल सी मिलती है। एक्स शेप हेडलैम्प मिलता है, बड़ा सा आपको मिलता है मडगार्ड, पीछे आपको अच्छा बड़ा टायर मिलता है, ओपन चेन देखने को मिलती है यहाँ पर। चेन भी आपको बहुत बढ़िया मिलती है इसके अंदर और साथ ही साथ टायर भी अच्छा लगता है और साइड से भी अच्छी लगती है, पीछे से भी अच्छी लगती है बाइक। आपको लुक कैसा लगा हॉर्नेट 2.0 का आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात कर लेते हैं डैशबोर्ड की, मतलब मीटर की। यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मीटर मिलता है, इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कि आपको स्पीडोमीटर मिलता है, ओडोमीटर यहाँ आता है, क्लॉक आती है इसके अंदर, फ्यूल गेज है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, टैकोमीटर कुछ ऐसा आता है, बटन्स मिलते हैं टॉगल करने के लिए, ट्रिप ए ट्रिप बी, और यहाँ पर आपको लो बैटरी इंडिकेटर और बैटरी वोल्टेज बताता है। लो बैटरी इंडिकेटर नहीं है, बैटरी वोल्टेज बताता है यहाँ पर। और ये सब फीचर्स मिलते हैं यहाँ पर। साइड स्टैंड इंडिकेटर है, लो बीम हाई बीम लाइट मिलती है यहाँ पर, ABS इंडिकेटर और न्यूट्रल लाइट और इंजन चेक लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये इंडिकेटर वाली लाइट्स मिलते हैं आपको, इधर का इंडिकेटर डालेंगे तो यहाँ बताएगा, लेफ्ट का इंडिकेटर डालेंगे तो लेफ्ट वाला ब्लिंक करेगा। बाकी आपको बटन्स मिलते हैं अच्छे क्वालिटी वाले राइट साइड में, इंजन ग्रिल स्विच, इसके नीचे हैजर्ड लाइट स्विच, हैजर्ड लाइट ऑन करो और चारों इंडिकेटर एक टाइम पे जलने लगेंगे, अच्छा फीचर है। बाकी इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर मिलता है, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच मिलता है, इसके नीचे लो बीम हाई बीम बटन, ये इंडिकेटर वाला बटन, और इसके नीचे हॉर्न, नॉर्मल सा हॉर्न मिलता है आपको, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉर्न नहीं दिया इसके अंदर। बाकी अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। ऑल LED सेटअप मिलता है आपको, हेडलाइट LED है, टेल लाइट भी LED है और इंडिकेटर भी आपको LED वाले मिलते हैं। इनकी क्वालिटी भी बढ़िया है, इल्यूमिनेशन भी बढ़िया है और यहाँ पर कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है होंडा ने। आपको एक्स शेप की LED टेल लाइट मिलती है, इंडिकेटर भी अच्छे मिलते हैं और हेडलाइट का इल्यूमिनेशन भी आपको अच्छा मिलेगा, देख सकते हैं हेडलाइट सेटअप, ऑल LED सेटअप है। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशंस की, तो सामने आपको अपसाइड डाउन फोक मिलते हैं शोवा के गोल्डन कलर में 37mm वाले, पीछे मिलता है मोनोशॉक 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी वाला। और सस्पेंशन ट्यूनिंग की बात करें तो पीछे वाला सस्पेंशन सेटअप नॉर्मल है, सामने वाला जो सस्पेंशन है स्टिफ रहता है। सिटी प्लस हाईवे दोनों जगह आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, अच्छा कंफर्ट मिलेगा इस सस्पेंशन की वजह से। अब सीट कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर स्प्लिट सीट सेटअप है, राइडर हो या पिलियन दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हैं, पिलियन कंफर्ट भी आपको अच्छा मिलता है इसके ऊपर। और लॉन्ग राइड करना हो तो आप सिंगल आराम से चला सकते हैं इस बाइक को, सोलो राइड अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पिलियन कंफर्ट की बात करें तो लॉन्ग राइड के लिए थोड़ा कम रहता है पिलियन कंफर्ट। और पीछे आपको पिलियन ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, स्प्लिट इसके ग्रैब हैंडल। और अपन बात करें टायर्स की, तो सामने मिलता है आपको 110/17 17 इंच का अलॉय व्हील, यहाँ पर आपको अच्छा मोटा टायर मिलता है हॉर्नेट के अंदर एज कम्पेयर टू R15। यहाँ पर आपको मोटे टायर मिलेंगे, MT-15 से भी ज़्यादा मोटे टायर इसके अंदर मिलेंगे सामने। पीछे के टायर की बात करूँ तो यहाँ पर 140/17 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। R15 जितने आपको मोटे टायर मिलते हैं, MT में भी आपको सेम टायर मिलते हैं, तो आपको रियर टायर अच्छा मोटा मिलता है, फ्रंट टायर ज़्यादा मोटा मिलता है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। तो आपको MRF के ट्यूबलेस नायलॉन ग्रिप टायर मिलते हैं सामने और पीछे, और
ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS मिलता है। सामने आपको 276mm का डिस्क मिलता है विद सिंगल चैनल ABS, पीछे मिलता है आपको 220mm वाला डिस्क विद निसिन कैलिपर। डुअल चैनल ABS आता तो और अच्छा रहता इस बाइक का ब्रेकिंग सेटअप। और इंजन की बात करें तो यहाँ मिलता है आपको 184.4cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। OBD2 सेंसर है इसके अंदर और E20 पेट्रोल का सपोर्ट आता है। यहाँ पर आपको मैक्स पावर मिलती है 17.2 PS की। मैक्स टॉर्क मिलता है आपको 16.1 Nm का विथ 5-speed गियर बॉक्स। और यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच ऐड किया गया है 2024 मॉडल के अंदर, तो ये भी बहुत बढ़िया रहता है इसका अपडेट। यहाँ 6-speed गेयरबॉक्स आता तो और अच्छा होता, साथ ही साथ लिक्विड कूलिंग या फिर ऑयल कूलिंग आती तो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी रहती इस बाइक की। बाकी आपको स्मूथनेस टॉप नॉच मिलती है इस बाइक के इंजन से। और माइलेज की बात करें तो लगभग 45 तक का माइलेज ये सिटी में निकालती है और हाईवे पर 50 तक का माइलेज, तो आपको माइलेज भी परफेक्ट मिलता है होंडा हॉर्नेट 2.0 के इंजन से। और स्मूथनेस भी आपको अच्छी मिलती है, तो यहाँ पर आपको रिफाइनमेंट लेवल को लेकर चिंता नहीं करनी, बढ़िया स्मूथनेस मिलती है आपको इस बाइक से। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की, तो आपको सीट हाइट देखने को मिलती है 795mm की, जो कि परफेक्ट है। अगर आपकी हाइट 5'3" है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। और यहाँ अपन ओवरऑल वेट की बात करें तो 142 kg इसका कर्ब वेट है, यूनिकॉर्न जितना आपको वेट मिलता है। और बहुत ही लाइट वेट बाइक मिलती है होंडा हॉर्नेट 2.0। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है आपको। टैंक कैपेसिटी भी अच्छी मिलती है आपको, थोड़ी ज़्यादा आती तो और अच्छा होता है, टैंक कैपेसिटी से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अपन ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 167mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विद मेन स्टैंड, साइड स्टैंड उधर है, इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस एक ज़्यादा आता तो और अच्छा रहता। बाकी अपन अब इसका साउंड सुन लेंगे, देखेंगे इसके अंदर पेट्रोल है या नहीं। बाकी आपको इसका साउंड कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका साउंड। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि मोटर्स उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर, और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 की ऑन रोड प्राइस है 1,71,000 रुपये, 1,71,000 ये ऑन रोड पड़ती है। 1,71,000 रुपीज़ में आपको क्या क्या अच्छा मिलता है, पहले तो लुक अच्छा है, दूसरा फुल डिजिटल मीटर अच्छा मिलता है, तीसरा अपसाइड डाउन फोक मिलते हैं, चौथी चीज़ बढ़िया रिफाइनमेंट वाला इंजन मिलता है, पाँचवीं चीज़ माइलेज भी अच्छा है, और छठी चीज़ मिलती है इसकी परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलती है, कम्फर्ट लेवल अच्छा मिलता है, साउंड अच्छा मिलता है, टायर्स अच्छे मिलते हैं। और बाकी आपको क्या चाहिए, नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो इसके अंदर लिक्विड कूलिंग आना चाहिए था, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको देखने को मिलना चाहिए था 6-speed गेयरबॉक्स। बाकी आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी अच्छा मिलता है इसके अंदर। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा हॉर्नेट 2.0 2024 मॉडल का रिव्यू दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।